खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। लेकर एक अगर वोट बढ़ जाता है तो आप पराजित हो जाते हैं, लेकर चुनाव लड़ो, निश्चित रूप से आप बनारस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतोगे। उन्होंने हमसे भेंट करके अनुरोध किया कि मुझे समाजवादी पार्टी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अगर अपना उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक प्रमुख जैसा मान देकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी हमको वो लड़ेगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्नातक का एनर्जी है। एक पिछली बार समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीत कर गए, लेकिन उन्होंने समझ चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आजम साहब जैसे वरिष्ठ नेता को, जो देश के माने जाने नेता हैं, उनको जानबूझ करके परेशान करना, उनकी छवि को धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोर्ट पर समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा और सरकार जो हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़नात्मक दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, जनता भी इसको समझ रही है और इसी वजह से जनता समाजवादी पार्टी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता दूध का दूध पानी का पानी 2022 में साफ कर देगी। बीजेपी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष के ऊपर मर देती है। सभी मीडिया के भाई, पूरे देश दुनिया के मीडिया के लोगों ने जो अपनी समीक्षाएं लिखी है, जो इस देश के तमाम न्यायालयों के न्यायाधीशों ने बात कही है कि देश में लोकतंत्र अच्छा नहीं चल रहा, बीजेपी कहीं न कहीं इस पर वोट की राजनीति कर रही है। वोट की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए दिल्ली भारत की राजधानी के अंदर 1 सैकड़े की तादाद में लोग अब तक मारे जा चुके हैं, हजारों की तादाद पर लोग घायल हैं। ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए कलंक है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को, सीमा की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने में एकदम फेल है और CA, NRC, NPR ये जनता का ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से, करप्शन से, किसानों की फसल का मूल्य न देना पड़े, चर्चा का विषय दूसरा कर दो और जनता को उलझा दिया। इसीलिए बीजेपी अब जगह जगह सफाई दे रही है कि नागरिकता कानून लेने का नहीं है, देने का। इसको आप भाजपा का राजनीतिक स्टंट मानते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्टंट है। सर, समाजवादी सरकार